नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नए जिलों बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। 10 से अधिक नए जिले की मांग आई है। क्षेत्रीय नेता और नागरिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फुलेरा, मालपुरा, लाडनू, सुजानगढ़, भीनमर, गुडामलानी, खाजूवाला, सोजत, निम्बाहेड़ा, जतारण, खेतड़ी, फिवाड़ी, उदयपुर वाटी और सूरतगढ़ को लेकर विचार भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी 19 जिलों के अलावा भी नए नाम सामने आ सकते हैं। इस कवायद के बीच प्रदेश के नए जिलों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिलों को लेकर रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने वाले 5-7 दिन में राज्य सरकार को मिल जाएगी। इसी बीच जिलों के गठन को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी काम चल रहा है। बीकानेर जिले के खाजूवाला में पानी की डिग्गी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पूगल की ग्राम पंचायत नाड़ा में चक 7 सीएम की घटना है। यहां सिंचाई पानी के लिए बनाई गई डिग्गी में 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को डिग्गी से निकालकर मोर्चरी में रखवाया। दोनों मासूमों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में एक बिजनेसमैन के युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। पूल पार्टी के दौरान परिचित बिजनेसमैन ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, बेहोशी की हालत में रेप कर उसका न्यूड वीडियो बनाया। विरोध करने पर शादी का झांसा देकर देश शोषण करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर न्यूड वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। मुहाना थाने में श्यामनगर निवासी 25 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात आरोपी विवेक शर्मा से हुई। आरोप है कि 31 जुलाई 2022 को विवेक शर्मा ने कॉल कर मिलने बुलाया, उसे कार से जयसिंहपुरा ले गया। वहाँ एक होटल में शाम को पूल पार्टी थी। इसी दौरान कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया और अश्लील वीडियो बनाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छुट्टियों में वैष्णो माता के दर्शन करने वाले राजस्थान के यात्रियों के लिए एक खुशखबरी आई है। जयपुर, उदयपुर, अलवर, अजमेर और भीलवाड़ा के यात्रियों की सुविधा के लिए साप्ताहिक गरीब रथ ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किया जा रहा है। यह विशेष सेवा 27 अप्रैल से शुरू होगी और 29 जून तक जारी रहेगी। त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में खासी भीड़ रहती है, ऐसे में यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेलवे की तरफ से जम्मू तवी उदयपुर सिटी जम्मू तवी गरीब रथ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। लुधियाना, हिसार, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा मार्ग से यह ट्रेन संचालित होगी। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफी आराम मिलेगा। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन का संचालन शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी, कम खर्च में यात्री एसी में बेहतर यात्रा कर सकेंगे। जैसलमेर जिले की रानीसर बस्ती में एक ट्रक ने 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। दोनों युवक परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ रात्रि जागरण में हिस्सा लेने आए थे। वे ट्रक के नीचे सोने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने रिश्तेदार के घर किसी कार्यक्रम में आए थे। रात को वे पत्थरों से भरे ट्रक के नीचे सो रहे थे। सुबह चालक ने बिना नीचे देखे ही ट्रक चालू कर दिया, इससे दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए। कोतवाली थाना अधिकारी के अनुसार इस हादसे में एक युवक कान्नाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विर्मा राम को अचेत अवस्था में चिकित्सालय लाया गया। यहाँ उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों युवकों की मौत की खबर सुनते ही उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव अहर के रहने वाले एक व्यक्ति को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। ठगों ने सीबीआई कर्मचारी बनकर कहा कि उसके यूट्यूब पर एक लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो चल रही है, जिसे वह तुरंत हटवा ले। हटवाने के नाम पर उन्होंने अलग अलग दिन में उससे किसी किसी बात के नाम पर कुल 22,57,048 रुपए ठग लिए। खुद के साथ ठगी होने का पता लगने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि गांव अहर का रहने वाला है। आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो यूट्यूब पर चलने और उसे डिलीट करने के नाम पर 22,50,000 रुपए हड़प लिए। कोटा जिले के गुमानपुरा इलाके में छावनी चौराहा पर मॉर्निंग वॉक पर निकले कोचिंग छात्र अशोक कुमार के साथ मारपीट कर चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त 20 वर्षीय समीर अब्बासी उर्फ जिशान कालिया उर्फ मुस्तफा निवासी मोखापाड़ा थाना कैथुनी पॉल को गिरफ्तार कर 2 अन्य नाबालिगों को निरुद्ध किया है।
एसपी शरद चौधरी ने बताया कि कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहे बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ निवासी छात्र अशोक कुमार पर 19 अप्रैल 2023 को सोवालाल कचौरी के पास छावनी चौराहा पर अभियुक्तों द्वारा मारपीट कर चाकू से जान से मारने की नियत से हमला किया गया। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने पुराने बदमाशों व मुखबिरों से जानकारी प्राप्त कर मोखापाड़ा थाना कैथूनी पुल से वांछित मुख्य आरोपी समीर अब्बासी उर्फ जिशान कालिया उर्फ मुस्तफा को गिरफ्तार कर वारदात में शामिल दो बालकों को डिटेन किया है। बीकानेर में आखा बीज और आखा तीज पर पतंगबाजी के बीच चाइनीज मांझा बेचने वाले एक शख्स पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक दुकान पर कार्रवाई करते हुए 5000 मीटर चाइनीज मांझा बरामद किया है और दुकानदार पर कार्रवाई की है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि नोखा में धातु निर्मित अवैध चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था। मामले में गोपाल भार्गव उम्र 30 साल निवासी हरिराम जी मंदिर के पीछे सलुंडिया रोड को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 5000 मीटर चाइनीज मांझा जब्त किया गया। आरोपी गोपाल भार्गव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर में नकली दूध बनाने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। डीएसटी नौहर सेक्टर और फिफाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 150 लीटर केमिकल 200 लीटर दूध करीब 3 लीटर स्प्रिट सहित तैयार नकली दूध जब्त किया है। मौके पर रसद अधिकारी ने सैंपल भरे और नकली दूध को नष्ट करवाया। दूध की रिपोर्ट आने पर रसद विभाग नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बड़ी मात्रा में शराब बनाने का लाहन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के गांव जसाना में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जसाना निवासी राजपाल को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर के ज्योति नगर इलाके में 10 दिन पहले सहकार मार्ग पर रहने वाले व्यापारी को कॉल करके गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने दूधों से 2 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी सौरभ सिंह बंजारा वे यश प्रकाश प्रजापत दूधू के रहने वाले हैं। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की पहचान कर उनको पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि इस संबंध में पीड़ित व्यापारी सहकारी मार्ग निवासी रोहित अग्रवाल ने ज्योति नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोपियों ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी।